देखिए, जल की शुद्धता अशुद्धता को हम पार्टिकल पर मिलियन में नापते हैं, आगे बताएंगे। जैसे देखिए, H2O तो जल का फॉर्मूला हो गया, इसमें कितने कण मिले हैं उसको हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पार्टिकल पर मिलियन, PPM। जो शुद्ध जल होता है ना, अशुद्ध जल, वो 0 PPM होता है, उसमें H2O के अलावे और कुछ नहीं। पार्टिकल पर मिलियन मतलब बाहरी पार्टिकल कितना मिला है, तो अशुद्ध जल जो डिस्टिल वाटर है उसमें बाहरी कण थोड़ा भी नहीं है। पीने वाला जो शुद्ध जल होता है 150 PPM, और वर्षा का जल जो होता है 250 PPM, क्योंकि वर्षा का जल भले शुद्ध होता है लेकिन वातावरण शुद्ध नहीं है। अगर आप पहली बरसात में नहा लेंगे, हाँ, खजुआट होना फिक्स है। कि ये रहा जल, सबसे उठपटांग तो होता है भारी जल। भारी जल को अंग्रेजी में हैवी वाटर, फॉर्मूला D2O। उसके बाद क्या होता है, कठोर जल, हार्ड वाटर। उसके बाद है मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। और उसके बाद आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O। ये तो परमाणु रिएक्टर में यूज हो गया, D2O किस में यूज हुआ, परमाणु रिएक्टर में। आइए, हो गया H2O, ये मृदु जल में H2O प्लस सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये भी है भाई कठोर जल। इसमें भी जल के अलावे और भी चीजें मिली रहेंगी कि नहीं मिली रहेंगी। इस ससुरा में कैल्शियम और मैग्नीशियम, यहां तक तो अच्छी चीज है, कैल्शियम मिला रहे तो अच्छा चीज है, मैग्नीशियम मिला रहे तो अच्छा चीज है, खराब क्यों हो जाता है तो समझिए। दें इस ससुरा का कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट आ जाता है। क्या आ जाता है, बाइकार्बोनेट। क्या आ जाता है, बाइकार्बोनेट। यही गड़बड़ कर देता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ क्या आ जाता है, बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम से हमें प्रॉब्लम है, लेकिन ससुरा कैल्शियम और मैग्नीशियम अपने आए कोई दिक्कत नहीं है, अपन रिश्तेदार लेके आ जाता है बाइकार्बोनेट। क्या ले आ जाता है, बाइकार्बोनेट की खराबी होती है बाहर की चीज़ों को सोख लेता है। अगर इसमें आप साबुन डालेंगे ना, तो साबुन पानी तक पहुंचने से पहले आधा कैल्शियम सोख गया, कुछ मैग्नीशियम सोख गया, अब बाकी बचा दबा के सोख गया कौन, बाइकार्बो। तो इतना झाग देने चाहिए तो इतनी सा झाग देता है, तो कभी कभी साबुन झाग नहीं देता। तो देखिए, अगर पूरा रगड़ेंगे ना तो उसके ऊपर नीला नीला दाग हो जाएगा कपड़ों पे, झाग नहीं देगा, तो फिर ब्रश मारना पड़ेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर सल्फेट जुड़ गया, क्या जुड़ गया, सल्फेट, और खचरा होता है। जब आप इसे खौलाइएगा कठोर जल को, तो खौलाने के टाइम कठोर जल में वाइट 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 कुछ जल जाता है, जम जाता है, वो या तो बाइकार्बोनेट है, या तो सल्फेट है, या तो क्लोराइड है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और हम लोग जो पानी पीते हैं खरीद के, वो क्या है, सॉफ्ट वाटर, उसमें भी पार्टिकल मिले होते हैं, लेकिन अच्छे पार्टिकल मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं, अच्छे पार्टिकल। अच्छा, हम पार्टिकल पर मिलियन की अगर बात करेंगे, तो इसका भी 0 PPM होता है, पीने वाला पानी 150 PPM होता है, और भारी जल जो होता है या वर्षा का जल 250 PPM। अब पार्टिकल पर मिलियन यानी 10 लाख में बाहरी कण कितने हैं, ये हम लोग गिन पाएंगे नहीं, हम लोग तो तौलने वाले आदमी हैं। तो इसमें बाहरी कण की संख्या बताओ बाबू, 0। तो 0 mg/L, 0 mg। दवाई वगैरह को किस में नापते हैं, mg, मिलीग्राम। वो क्या तौलबे ना करते हैं, डॉक्टर लिखते हैं ना 50 mg, 20 mg, 650 mg, हाँ बड़का इतना होता है, समझ, 50 mg का टिबलेट इतनी चुकी होता है। mg क्या है, मिलीग्राम। क्या है, मिलीग्राम। ये होता है आपका 60 mg/L। ये कितना होता है, 60 mg/L से ज्यादा। इसमें तो बाहरी कुछ भी नहीं मिलाते, इसमें बाहरी कुछ नहीं मिलाते, भारी जल में बाहरी क्यों मिलाएगा, रिएक्टर ही खराब हो जाएगा। जब भी आपको रिएक्शन कुछ भी कराना है, आप उसमें याद रखिएगा फॉरेन पार्टिकल से बचिएगा, बाहरी पार्टिकल से बचना है। क्या हम कठोर जल को आसुत में बदल सकते हैं, क्या हम मृदु जल को आसुत में बदल सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अब देखिए, हम ध्यान से कैसे बदल देते हैं। कोई फ्लक्स ले लेते हैं ऐसे बोतल इस टाइप में, ये केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे, इस टाइप के बहुत सारे बोतल आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये प्रयोगशाला के ही उद्देश्य से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम इसको रख लिए इसमें, अब इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। इसमें हम क्या भर दिए हैं, पानी। ये क्या है बाबू, पानी। अब इस पानी में हम अशुद्धि मिलाते हैं, ये तो नॉर्मल पानी है, इसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं। मान के चलिए भारी जल है, क्या ये
भारी जल, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट मिला दिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट भी मिला दिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड भी मिला दिए, कैल्शियम भी मिला दिए, कॉपर भी मिला दिए, मैग्नीशियम भी मिला दिए, आयरन भी मिला दिए, सोडियम भी मिला दिए। ले ससुरा पूरा रद्द कर दिए इसको, पानी को सब मिला के पानी को क्या कर दिए, रद्द कर। अब पानी को खौलाएंगे इधर से, पानी को क्या करेंगे, खौलाएंगे। आपको पता है पानी खौलेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री, यहाँ से क्या बनेगा, भाप। और भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नहीं खौलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कैल्शियम नहीं खौलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है तो जल खौलता है। यानी जैसे 100 डिग्री करेंगे तो इसमें एक थर्मामीटर डालेंगे, 100 डिग्री से ज़्यादा होने ही नहीं देंगे, जहाँ 140 होगा कैल्शियम वो उड़ने लगेगा, चलो हम भी चलते हैं, जाने ही नहीं देंगे उसको। कितना पे रखेंगे, 100 डिग्री, 100 डिग्री पे रखेंगे। यहाँ से पानी भाप बनेगा, जाएगा यहाँ से पानी भाप बन के, पंछी बनू उड़ के चलू, चल गया उड़ के, पानी भाग गया, फिर हमको फायदा क्या हुआ, इसको रोकना था हमको। इसके लिए हम लोग यहाँ एगो बोरा लगा देंगे, यहाँ एगो बोरा, ई बोरा पे पानी छिड़क देंगे, बांध देंगे नलिया को बोरा से, कपड़ा से बांध देंगे यहाँ, और उस पर पानी छिड़क देंगे तो ठंडा कर देगा। ठंडा करने वाले डिवाइस को कंडेंसर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कंडेंसर। तो ये क्या हो गया, कंडेंसर। अब बताओ यहाँ जो बिखिया के भाप बना है, यहाँ ठंडा हो जाएगा कि नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होकर यहाँ से पानी बन जाएगा, हो गया पानी। अब यहाँ कोनो डोंगा लगा दो, कटोरा लगा दो, कौन सा पानी हो गया, ये आसुत जल। इसमें केवल उधर से डगर के क्या आया है, H2O, डगर के केवल क्या आया है, H2O। इसी को क्या कहेंगे, आसुत जल, क्या कहेंगे, आसुत जल, अंग्रेजी में डिस्टिल्ड वाटर।